स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। मोस्ट प्रॉब्ली आज संडे है और उठने में भी हमको बहुत लेट हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना लंच आज बाहर किया जाए। किसी कारण से अभी हम बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलिए। सो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे आज कुछ थोड़ा अलग ट्राई करने के लिए, जो कि मैंगलोर क्यूजीन है। एंड हम जा रहे हैं मैंगलोर पर्ल। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे बिकॉज वो जगह 3:30 बजे क्लोज हो जाती है एंड इट्स ऑलरेडी 2:30। सो हमें ऑलमोस्ट और 45 मिनट्स लगेगा, बट लेट्स गिव इट अ शॉट एंड लेट्स सी। बहुत ज़्यादा ही आज ट्रैफिक है ऑन अ संडे। ऐसा घुमाया कि हमारा ETA और 15 मिनट बढ़ गया है। अभी हमें थोड़ा डाउट होने लगा कि हम पता नहीं पहुंच पाएंगे क्या ऑन टाइम बिफोर 3:30। एंड अगर पहुंचे भी तो पता नहीं कौन कौन से क्विजीन्स एंड आइटम्स हमें मिलेंगे, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगर आप बैंगलोर में कहीं भी जाने का प्लान करते हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बैंगलोर पीपल वुड बी अवेयर कि आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स लेके चलना पड़ता है रादर दैन जो भी गूगल में आपको दिखता है या फिर आप कहीं भी जा रहे हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम पहुंच जाए बिफोर 3:30 आज। गाइस हम पहुंच गए अभी मैंगलोर पर और यहाँ मतलब एग्जैक्ट 3:30 को हम लोग पहुँचे हैं। आप ये भीड़ देख सकते हो, कच्चा कच्च रेस्टोरेंट भरा हुआ है। हमें सीरियसली नहीं पता था कि हमें जगह मिलेगी कि नहीं, बट एट लास्ट मोमेंट दे हैव गिवन अस द एंट्री। और देखते हैं, हमने ऑर्डर किया है बहुत सारा कुछ, आने दीजिए फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा खाना आ गया है। सो दिस इज़ द प्रॉन घी रोस्ट, नीर डोसा, फिश फ्राई, दिस इज़ द फिश करी और ये रेड राइस। सो टिपिकल मैंगलोर स्टाइल फूड, सी फूड के लिए बहुत ही फेमस है ये रेस्टोरेंट। सो लेट्स ट्राई दिस। Okay, so let's try this first. Oh, क्या खतरनाक! It's so delicious and the masala coating is very good, very fluffy. चलिए तो नीर डोसा और प्रॉन घी रोस्ट ट्राई करते हैं। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट। जितना इसके बारे में सुना था उससे काफ़ी ज़बरदस्त है। The prawns are ultimate, ultimate. Should definitely come and try this. These fish fingers are delicious. ये यहाँ पे आ गया हमारा सोल करी। So अब हम ट्राई करने वाले हैं ये रेड राइस और फिश करी। लेट्स ट्राई। देखो यहाँ पे ये फिश करी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसका जो बेस है दिस इज ऑन कोकोनट करी। सो दिस इज बोनलेस फिश जो यहाँ पे दिया गया है. आई डोंट नो कौन सा फिश है ये, बट आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा होने वाला है. बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही फ्रेश. आप यहाँ पे भीड़ के भीड़ देख के पता कर सकते हो जगह कितना फेमस है. लाइक लिटरली यहाँ पे हमेशा हाफ एन आवर का वेटिंग है. लाइक दिस प्लेस इज सो फेमस ऑन इट्स ओन. ओके सो यहाँ का लंच तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा. रियली बहुत ही इंजॉय किया हमने. बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट था. तो अगर आप पलसूर आ रहे हो तो डेफिनेटली ये जगह ट्राई करो. बहुत ही रीज़नेबल है. लाइक हम दोनों को 2 लोगों के लिए 1000 रुपये में पेट भर के हमने खाना खाया. और हमें डेजर्ट भी ट्राई करना था. यहाँ का सुना है कि कैरमल कस्टर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें कुछ और ट्राई करना था आज. ओके गाइस, सो अभी हम आ गए कॉर्नर हाउस. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइसक्रीम पार्लर्स है बैंगलोर में. आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ट्राई किया जा सकता है. तो ये यहाँ का मेनू है. सो यू कैन जस्ट पॉज एंड चेक द प्राइसेस. ये हमने कॉर्नर हाउस में इनका फेमस DBC लिया है. ये हमको विथ टैक्सेस 271 का पड़ा. अब देखो, दिस लुक सो टेम्पटिंग. लाइक पीनट तो छोड़ो, ब्राउनी एंड चॉकलेट सॉस, एंड उसके नीचे है ये आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम. लाइक आई एम ऑलरेडी गेटिंग दैट टेम्प्ट टू ईट इट. ये बहुत ही पुराना है बैंगलोर में. कॉर्नर हाउस के बहुत सारे जॉइंट्स हैं अक्रॉस बैंगलोर. तो डेफिनेटली यहाँ तो लाइक ये DBC ट्राई करना बनता है. एंड यू टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस DBC. ये खा के आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द DBC? You can look at my face. I'm smiling. It's one of my favorite dessert. Just take everything on the scoop and nothing special. सबसे क्वांटिटी देख लो. मतलब ये इतने क्वांटिटी में देते हैं ना कि आप इजीली इसको ऐसा लंच या डिनर कर सकते हो. मतलब ये पूरा फुल मतलब बोल है लिटरली. सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं. और मैंगलोर पर्ल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा आज. अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करो. हमें तो लगा था कि शायद आज हमें वहाँ पे लंच करने को नहीं मिलेगा. एकदम 3:30 बजे हम पहुँचे एंड लिटरली हमें बोला गया कि दिस इज़ द लास्ट ऑर्डर दैट दे आर टेकिंग. बट लकी रहे हम आज के लिए, तो हमें वहाँ पे खाना मिल गया. हमने कॉर्नर हाउस का भी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है. DBC इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट I think for all the Bangaloreans and जो भी यहाँ पे बैंगलोर में है. So we will see you in the next video guys. तब तक take care and if you like this video do like, share and subscribe to our channel. See you guys, bye.